नमस्कार, स्वागत है आपको ओनली न्यूज़ में। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल अक्सर पूछते रहते हैं कि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में विकास क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ। तो आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कश्मीरी पंडितों के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या व्यवस्थाएँ की हैं, और वहीं धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीरी पंडित कितने खुश नजर आए। बता दूँ, कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कश्मीरी पंडित परिवार के घर बनवाने के दावे जो लगातार किए जा रहे हैं, ये कितना सच है और कितना झूठ है, चलिए हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कश्मीरी पंडित घर बना रहे हैं, और कुछ लोग वहीं पर कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित घर नहीं बना रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बता दूँ आपको, 5 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे हो गए हैं। बीते कुछ दिनों में लोग सोशल मीडिया पर इन 2 सालों में क्या बदला है इसे लेकर तरह तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सच्चाई दिखाने जा रहे हैं कि सच में क्या बदला है और क्या नहीं बदला है। बता दूं आपको, कई सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लोग शेयर कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि एक कश्मीरी पंडित परिवार कश्मीर में अपना घर बनवा रहा है, ये अनुच्छेद 370 खत्म होने के कारण ही संभव हुआ है। बता दूं, दावा नंबर 1, घाटी में एक कश्मीरी पंडित परिवार की वापसी जो 370 के खत्म होने से मुमकिन हुआ है। सच्चाई क्या है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बता दूं, सोशल मीडिया पर 2 तस्वीर साझा करते हुए 26 जुलाई को कश्मीर के बीजेपी नेता एजाज हुसैन ने ट्विटर पर लिखा, कश्मीरी पंडित समुदाय से आने वाले मेरे दोस्त ने आज बलहामा में अपने घर का भूमि पूजन किया, मैं उनको नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देता हूं। सभी कश्मीरी पंडितों से मेरा निवेदन है कि कश्मीर में आएँ और यहाँ सुरक्षित महसूस करें। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया जिन्होंने 370 खत्म करके सुरक्षित माहौल मुहैया कराया। देखते ही देखते इस तस्वीर को खूब शेयर किया जाने लगा, और इसके साथ कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ये कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद ही संभव हो सका। कुछ लोग ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि कश्मीरी पंडित परिवार 30 साल बाद कश्मीर में वापस आ सका है और ये अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद ही मुमकिन हुआ है। जिस तरह से फैक्ट चेक की बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया कि भूमि पूजन करने वाले शख्स का नाम काका जी भट्ट है। काका जी ने परिवार के कई लोगों को पलायन कर गए, लेकिन उन्होंने अपने पैतृक जमीन किसी को नहीं बेची और आज वह अपना घर इस ज़मीन पर बना रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को डाला गया बीज अब अंकुर बनकर फूट रहा है। इस रिपोर्ट में कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के चेयरमैन संजय टिक्कू के हवाले से ये कहा गया कि लोगों में अब सुरक्षा और विश्वास की एक भावना है, और जिससे कश्मीरी पंडित अपना घर बना रहे थे, यानी कि ये कहीं ना कहीं सत्य घटनाएं हैं। कश्मीरी पंडित अपना घर बना रहे हैं और वहाँ पर रह भी रहे हैं। सरकार कई परियोजनाओं पर काम करने जा रही है जो कश्मीर की जनता के लिए काफ़ी सुखमय होगा, और कश्मीर की जनता काफ़ी ज़्यादा खुश भी होगी। और वहीं पर जो बिचौलिए भगौड़िए और जो आतंकवादी हैं उनकी वार तो लगने वाली तय है। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।